आज हम बैठे हैं पीतांबरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भांडर, जहां से अभी तक 3 वर्षों में शासकीय कार्यालयों में यहां के विद्यार्थी सेवा दे रहे हैं। आइए वहां के संचालक विनोद सर से बात करते हैं, जानते हैं कोचिंग के बारे में। हां तो सर, बताएं आप कि इस कोचिंग का खोलने का भांडर में क्या उद्देश्य है आपका? क्या है, कोई कोचिंग खोलने का कोई विशेष पर्पज नहीं होता है किसी का। वो अपनी जो स्टडी करता है तो वो कोचिंग खोलने के पर्पज से नहीं करता है, वो एक सिलेक्शन एक जॉब के उद्देश्य से अपनी स्टडी करता है, ठीक है। लेकिन उसे अपने उस सफ़र को तय करने में बीच में जो उसे कठिनाइयाँ मिलती हैं, उन कठिनाइयों से उनको हल्का करने के लिए या फिर थोड़ा उन्हें सहन करने के लिए वो अपने संस्थान को कहीं ना कहीं एक उद्देश्य दे देता है संस्थान बनाने का। इससे क्या है कि उसका जो सफ़र रहता है वो इजीली पता नहीं चलता और आराम से निकलता जाता है। हमारा कोचिंग खुलने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज था, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं कमाना, सिर्फ टारगेट ये था कि कहीं और संस्थान खोल रहे हैं उसकी अपेक्षा अपन अपने शहर अपने निवास पर संस्थान डालें। इससे क्या है कि अपने क्षेत्र के लोगों को इसका बेनिफिट हो और उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा मिले, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मायने ये रखता है अपन ने क्षेत्र से लोगों का भला या सिलेक्शन किस टाइप से हो रहा है। बस नॉर्मल सा यही उद्देश्य था, इसके अलावा और कोई विशेष पर्पज नहीं था। इसके अलावा पहले भी आप कहीं मतलब शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, सुनने में आया है ग्वालियर, भोपाल या दिल्ली, कहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की इससे पहले? नहीं, शिक्षा तो काफ़ी जगह काफ़ी इंस्टीट्यूटों में हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपका है ना तरसला हुआ है, शुरुआत अपन ने किया हुआ था यूनिक अकेडमी से, है ना, जिसके डायरेक्टर संतोष शर्मा जी थे, उन्होंने मौका दिया था, अपन ने मौका लिया है। ज्योग्राफी से स्टार्ट किया हुआ था, काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट रहा था वहाँ से। इसके बाद छत्तीसगढ़ चले गए, वन अकेडमी पर भी पढ़ाया हुआ है। कुछ समय के लिए अपनी स्वयं की स्टडी के लिए कॉम्पिटिशन के लिए अपना स्टार्टिंग बेस्ट रहा है ग्वालियर। काफ़ी सालों तक ग्वालियर से शिक्षा लेने के बाद कुछ समय के लिए कहीं 6 महीने 8 महीने इधर उधर अन्य शहरों में आना जाना रहा, जैसे कि अपना दिल्ली हुआ, इलाहाबाद हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, है ना, फिर रिटर्न अपन ग्वालियर वापसी हो जाते थे, है ना। अधिकतर शिक्षा अपनी ग्वालियर से ही रही। इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूट दिल्ली वगैरह, सुना है कि आप दिल्ली भी गए हैं? हाँ, दिल्ली अपन सन 2013 में दिल्ली का बैच ज्वाइन किया था दया अकेडमी पर, लगभग 6-7 महीने के समथिंग रहे थे पीएससी मेंस के लिए पर्पज से गए थे, लेकिन वहाँ यूपीएससी के लिए पढ़ाया गया, तो फिर कुछ समय ही वहाँ रहे, फिर दोबारा रिटर्न ग्वालियर ही हो गए थे। सुनने में आया है जहाँ पर आप पढ़ने जाते थे काफ़ी समय या कुछ समय बाद वहाँ के प्राचार्य जो संचालक रहते थे वो आपको एक मौका देते थे, मतलब उन्होंने मौका दिया आपको, आपने उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है जहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की। यूनिक अकेडमी में लास्ट टाइम में यूनिक अकेडमी में ही आ गए थे ग्वालियर, तो संतोष शर्मा जी थे, काफ़ी अच्छे, उनसे मिलना जुलना अच्छा रहा, अच्छे गुरु थे हमारे, उन्होंने मौका दिया था हमें जियोग्राफी पढ़ाना, हमने स्टार्टिंग किया वहाँ से और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, मन में कॉन्फिडेंस भी आया है कि आगे चल के मौका मिला तो टीचिंग लाइन में भी कदम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से एक कॉन्फिडेंटली हो गए थे कि टीचर भी बन सकते हैं। सब लोग तैयारी करवाते हैं, पीएससी एमबीपीएससी कोई भी हर चीज़ की तैयारी करवाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस शासकीय सेवाओं में जॉब निकलती है, पीएससी हो या एमबी प्लस हो, एसआई वगैरह हो, क्या आपने कभी इसमें एग्जाम दिया है? हाँ बिल्कुल, पीएससी अपन एक ही एग्जाम्स देते हैं, पीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी भी देते हैं, लेकिन यूपीएससी अपन ने एक बार ही दिया है, सन 2016 का एग्जाम्स दिया था। क्योंकि क्या है कि यूपीएससी के लिए निरंतर यूपीएससी मांगता है, निरंतर आप उसमें लगे रहो, ओनली समय ज़्यादा मांगता है वो, आप निरंतरता के साथ समय के साथ उसमें लगे रहो। क्योंकि घर की स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि उन स्थितियों को देखते हुए ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए उसमें, तो पीएससी अपना मेन टारगेट रहा है, तो उसी में है, और उसके साथ साथ अपना एग्जाम्स भी देते रहते हैं और घर की स्थितियों को देखते हुए अपन कोचिंग संस्थान भी चलाते रहते हैं। तो अभी तक कितने कहाँ तक पीएससी भी आपने दिया है, तो कहाँ तक किस लेवल तक पहुँच पाए हैं अभी? पीएससी का लेवल एक बार इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद अपन मेंस के बाद इंटरव्यू क्वालिफाई तक नहीं पहुँच पाए,
तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच, मतलब लास्ट स्टेज जो रहती है इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया हुआ है अपन ने 2015 का, इसके बाद मेंस में ही आके अपन रह जाते। तो सर अब एक बात और बताएं, आपका वैसे अभी तक रहा फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट वैसे कौन सा है आपका? जनरल स्टडी में तो काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अपना जो मेन फेवरेट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अच्छा भी लगता है पढ़ने में और हमें संस्थान में बताने में भी अच्छा लगता है, रोचक। वो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसको डायग्राम से बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से अपन समझा सकते हैं और स्वयं समझ सकते हैं, और उसका जो माइंड में उसका जो ये कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड, तो वो लंबे समय तक रहता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो सर अभी आप ये बताएं, अब अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, पीतांबरा इंस्टीट्यूट जो है आपका, उसमें अभी तक आपके साथ कितने शिक्षक हैं जो और काम कर रहे हैं? ऐसा इंस्टीट्यूट में शिक्षकों का ऊपर नीचे होता रहता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं शिक्षक ज़्यादा लेने पड़ते हैं, है ना, बैच 1 2 3 उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अपन 3 से 4 लोगों के साथ प्रॉपर रेगुलरली काम करते हैं, है ना, रिजल्ट भी अपना काफ़ी ठीक रहता है हमेशा। रिजल्ट मतलब अभी 3 या 4 वर्ष हुए आपकी ये कंपटीशन क्लास को यहाँ से, तो अभी तक कितने निकले हैं स्टूडेंट, कितने निकले हैं यहाँ से स्टूडेंट? अपन ये कह सकते हैं 3 से 4 सालों में समथिंग 35 से 40 स्टूडेंटों का अपना यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इसमें इस सिलेक्शन का तो मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि 12th के बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं अपन अपन क्षेत्रीय भाषा में कि यहाँ व्यक्ति बिल्कुल छटा हुआ बचता है 12th के बाद, वो जो जितना क्रीम होता है वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं दूसरे अन्य शहरों में शिफ्ट हो जाता है, तो अपन को या तो फिर वो उनका ऐसा रहता है, उनमें अधिकतर गर्ल्स होती हैं जो घर छोड़ के उनके माता पिता या किसी अन्य कारण से वो बाहर नहीं जा पाते हैं, और उसके अलावा जो बॉयस रहते हैं उनका ये रहता है उनकी आर्थिक स्थितियाँ कुछ कमज़ोर रहती हैं, तो वो यहीं पर रह जाते हैं, यहीं से भंडर के कॉलेज से आसपास से कहीं बीए बीएससी वगैरह करेंगे कोई डिग्री, उसके साथ साथ अपने संस्थान भी ज्वाइन करते हैं, है ना। मेन पूर्ण रूप अगर देखा जाए तो इसका अधिकतर जो कारण हमें समझ में आया है 3 से 4 सालों में वो एक ही कारण है भंडर के स्टूडेंट का बाहर ना जाना, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी रूप से भंडर थोड़ा पिछड़ा हुआ मान सकते हैं, वो स्थिति यहाँ कमज़ोर हो, तो अपन को कहीं ना कहीं कुछ लो स्टूडेंट और कुछ अच्छे भी स्टूडेंट मिल जाते हैं, अपन को उनके साथ काम करना होता है अधिकतर तौर पर अपन ये कहें तो, उनके साथ अपन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके अपन रिजल्ट दे पाते हैं। रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके जो विद्यार्थी हैं वो किस प्लेटफॉर्म मतलब किस संस्था में आना गए हैं, जैसे MBPSC मतलब PSC में निकले हैं या पुलिस, वो इसके अलावा पुलिस है SI वगैरह उसमें जाना गए हैं? अपने यहाँ से अधिकतर जो सिलेक्शन होते हैं वो होते हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये ग्रामीण या एरिया मान सकते हैं अपना, उसमें व्यक्ति सिर्फ पुलिस के परपथ से ही तैयारी कर रहा कि हम बस पुलिस में लगना, तो उसमें उसकी क्या है कि एक रेस जो उसका ज़्यादा आता है स्टूडेंट उसके लिए ज़्यादा आते हैं, और वो जगह भी रेगुलरली आती हैं, हर वर्ष आती हैं, जैसे कि अभी अपन अपने यहाँ टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से, ठीक है, तो उसके पर्पज से स्टूडेंट के अभी कॉल्स वगैरह आते हैं, संपर्क के लिए भी आते हैं, तो उसकी बिल्कुल स्वभाव है कि उसके लिए स्टूडेंट ज़्यादा ही आते हैं, तो उसमें जगह भी हर साल लेना आती हैं, तो उसमें सिलेक्शन ज़्यादा होता है अन्य सरकारी जॉब की अपेक्षा, उसमें सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्टूडेंट भी उसी पर्पज से आता है।